जैकिल को खा जा। चलो जी, इन्होंने एक और गथी बना के दी, इसको भी काटते अभी। ये देख लो मेरे को किस काम लगा दी अम्मी। अब लो चिकन डाला क्या? नहीं, टेस्टी चिकन का भी आ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आर पी। तो आज कुछ ऐसा भी लोगे कि पोमी मेरे से कटवा रही है गाइस पालक। ये देखो सारे हाथ मेरे ठीक है। ये वाली पालक थी जो कि मैं काटी, आधी आधी इन्होंने काटी थी, लेकिन ना इनकी फिंगर पे ना कट लग गया और थोड़ा सा डीप है, नजर नहीं आएगा। पता क्यों? खोलेंगे तो फिर वो जो ना इतना मतलब खुल जाता है इतना सा, तो कैसा कट लगा हुआ है, लेकिन वो डीप है, अंदर तक गया। आपको पता कि बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत जल्दी जख्म कवर कर लेते हैं। ये फिंगर्स ऐसी है, फिंगर्स में लगता है ना, अगर डीप भी लग जाए फौरन जुड़ जाता है, खुदा की तरफ से चीज है, जुड़ जाते हैं। जैसे समझ लो ऐसे सेल होते हैं कि फौरन जो ना ऐसे होता है कि स्किन जुड़ जाती है फौरन पर। अभी लग तो नहीं रहा ना अंदर, हल्की हल्की ना, बस वो कोई ऐसी चीज नहीं पकड़ना, क्योंकि वो अगर हम कुछ नहीं ना करेंगे इसको तो खुद ही जो ना क्लोज हो जाएगा मांस। चलो जी, इन्होंने एक और गथी बना के दी, इसको भी काटते अभी। देख लो मेरे को किस काम लगा दी अम्मी। अब लो सब्जियां कटन डे मैं ताड़े ना भी कटवाऊंगा किसी दिन आके। ये आ गया। हाँ, तू भी कोई काम काज करा लिया कर, बस देखता रहता है। पता नहीं क्या कर रहा है वो पालक का, अब करेगा ये खात्मा तुम्हारा। वही बोलते हैं मुझे बकरा बना दिया इन लोगों ने। वाह क्या शुरू, देखते सही इसके काम। पीछे ले जा, नीचे ले जा, नीचे ले जा, नहीं और नहीं देना फिर वो करेगा। चले जी गाइस, कटिंग हो गई है फाइनली, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़रा फ्रेश होकर आ जाऊँ, फिर खाना बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर पसीने से भीगेंगे, लेकिन इंसान थोड़ा फ्रेश हो जाए तो अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है। पालक का हमने खात्मा तमाम कर दिया, कटिंग सारी कर दी उसकी, यहाँ पर कैश का खाना भी बन चुका है। चले जी, आज हम जो है ना बनाने लगे हैं गाइस, आप सबने देख ही लिया, आज हम बना रहे हैं अपना पालक आलू। और अभी पोमी ने एक और कांड कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, इनसे पूछते क्या हुआ। अब देखा, अब नेल्स काट लिया। वाह पोमी, क्या हो गया आज, कौन सी मनुष्यता हो गई आज, कहाँ है, कौन सा वाला कटा है? अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, हल्का से है ना ऊपर से, पता नहीं क्या हो गया आज बेचारी के साथ, आज कभी नेल्स कट रहा है, कभी हाथ कट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई नहीं। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? अच्छा देना मेरे को, मैं फोड़ देता हूँ। यहाँ पर ना मैंने पालक बॉईल हमारी हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज वगैरह सब कुछ मैंने ब्राउन करके और आलू डाल के आलू को भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के आलू को हम गला लेंगे, उसके बाद फिर इसमें पालक डाल के हम थोड़ी देर स्टीम पर रखेंगे। बहुत मज़े की आलू पालक बनती है, अगर आप लोग अच्छे से बनाओ इसको तो, ठीक है, बहुत यम्मी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है आलू पालक, आलू मेथी मेरी फेवरेट है। यहाँ पर हमारी पालक जो है ना बॉईल हो चुकी है, मैं इनको बोल रहा था कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, रख दो पालक जब तक मैं आके इसको निकाल दूंगा। इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, इन्होंने अभी रखी, लेकिन फिर भी जल्दी हो गई है ना। इसमें क्या रखे हैं? वो आलू है, तो आलू इसमें नहीं रख सकते एक साथ, वो मसाला कर दिया ना आलू। अच्छा हो गया, फिर डालूंगे इसको। ठीक है ठीक है। गई बेगम, पालक का खाली बन रही है हमारे घर में, कोई इसमें चिकन नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, खाली बना रहे इसकी बात है। मुझे भी काटे गांधी था। अच्छा कल आपने किसकी बोटी खाई थी? कैश की। जंपिंग कासिल भी जाना है ना इसको, है ना? मेरी डैड चली गई है बाबा की। क्या चले गई है? बाबा की डैड चले गई। बाबा की लाइट चले गई है? कब गई? कल गई थी। ओहो लाइट इज गॉन, लाइट इज कैश, जैकिल को खा जा। जैकिल कैश को खा जा। मारने के इसको। असली डगली, असली है, असली है। अच्छा कल आपने किसकी बोटी खाई थी? कैश थी। और नाना क्या कर रही थी? एक गंदे हाथों मुंह लगा दी। यहाँ पर जो हमारी पालक रेडी हो रही है, उसका भी मसाला रेडी हो चुका है, ठीक है, लेकिन पालक जो ना हमारी बन चुकी है, बॉईल हो चुकी है प्रॉपर। इसके अंदर और क्या डाला था बेगम? प्याज है,
क्या? वाह जी वाह, मसाले बन गए पालक के गाइस। चलो चेक के देखो कितने मजे का मसाला है। दिखाओ। लेकिन जब इसमें पालक जाएगी पहले उसको फूंक मारो, वो गर्म होता हाथ में लगेगा। बस बस। क्या डाला इसमें? बहुत ही अमीर मसाला होना है। सॉफ्ट सा, मिर्च इतनी लाइट, मजेदार। ये सूफ टेस्ट नहीं होता, मजे वाला बना है ना। बहुत मजेदार बोलो। मजेदार यप्पे, भूख लग रही है। कहाँ तक पहुँच गई चीजें। मैं बोलता डाल दो, थोड़ा सा सालन भी सूख जाएगा। क्या आप आ गए? बोलने लगा था इसको डाल दो, अभी सूखने में भी इसको टाइम लगेगा, ये ना हो कि वो हो जाए। लेकिन यार यकीन करो मेरे मुंह में अभी तक वो टेस्ट आ रहा है जो मैंने मसाला चखा था हल्का सा, लाइक वो थोड़ा सा। जी वो चिपक गया है। ये क्या है? ये कौन सा मैजिक? क्या लगा? अच्छा टेप लगा है पीछे। मैं भी क्या, ये कैसे चिपक गया? बस अभी पालक बन के आ जाए तो उसके बाद हम लोग खाली इसको टेस्ट करेंगे। काफ़ी टाइम ही हो गया था घर पे, मतलब ऐसा है कि खाने पीना कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैं बोला चलो इस वाला बना दे, वैसे जाते हैं बाहर जाते हैं, और हो सकता है मैं कल परसों ना एक जगह विजिट करूँ, शायद आपको भी पसंद आए। और वो बहुत चलती है कराची में, लेकिन वो 24 आवर है। ये मुझे आवाज़ आई थी कि पालक बन चुकी है फाइनली, इसका लुक देख। हाय हाय क्या बात है, यमी यमी। कैसी है? मैं तो पालक काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ। टेस्ट वही है, बहुत ही बहुत ज़बरदस्त। यकीन करो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्ट नहीं होता, वैसा है सॉफ्ट, लाइक आपको मिर्ची नहीं लग रही है। सॉफ्ट का मीन्स कि हर चीज़ अच्छे से मैरिनेट हुई है, लाइक आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इसमें मिर्ची कच्ची है या ऐसे या अदरक लहसुन कच्चा, नहीं। सॉफ्ट मीन्स वो वाला सॉफ्ट, स्मूथ है बिल्कुल एकदम, हर एक चीज़ घुल गई है, मज़ा आ गया। अभी हमारी पालक रेडी हो चुकी है, पौमी पर थी वीडियो बनानी तो पूरा ये ले जाते हैं बोल। मैं बोला नहीं यार निकाल लो, अभी वहीं पे कमरे में ठंडी हो जाएगी। ठीक है चले जी, यहाँ पर जो है ना हम पालक अपनी निकाल रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी है, अभी इसको हम खाएंगे। ये समझ लो सुबह से अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 9 बजने वाले, 8:30 हो गए पता है। लेट नाश्ता, ये कौन सा नाश्ता भाई? हम लोग ज़्यादा लेट, असल में ना पता क्या होता है, हम लोग सुबह खा के सोते हैं, लाइक वो वाला नाश्ता कर लेते हैं ब्रेकफास्ट जो सुबह का होता है। ये हमारा डिनर समझ लो हो रहा है अभी, उसको हम खाते हैं फिर इसके बाद सुबह सुबह खाते हैं ना। ये हमारा हो रहा है समझ लो लंच हो रहा है, नाश्ता तो हम सुबह सुबह समझ लो कर ही लेते हैं। सुबह के 7 बजे अक्सर ऐसा होता है उठ के आराम से नाश्ता करके सो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आलू पालक टेस्ट करते हैं। है तो परांठे के साथ तो बहुत ही अमी लगता है ये। सुबह मैंने इनको बोला कि ना मैं पालक वाले परांठे बनाऊंगी, बहुत मजे के बनते हैं। ठीक है सो ये जो है ना अभी करने लगे हैं टेस्ट। वाह आलू बुले पूरे वो हो गए आज, क्योंकि मैंने पहले इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था ना। ये देखो ये बनाया हमने बाइट अपना। एक दो पता नहीं किसने बनाई थी पानी वाली पालक, याद है? चिकन डाला क्या? नहीं, टेस्टी चिकन का भी आ रहा है, गोश्त का भी आ रहा है, अपनी इतना अच्छा टेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम मैं चिकन, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट टाइम, बहुत ही अमीर है यार सच में। ये देखो आप भी खा के देखो। एक दो याद हमने पालक गोश्त बनाया था तब भी कितने मजे का बना था, लेकिन इसका अपने इतना टेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ती होगी इसमें। ये देखो तरफ करो कैमरा, इसका अपनी बहुत टेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि इसमें चिकन है। बनाने वाले हाथ पे जादू है ना। क्या कह रहे हो? चिकन चिकन जैसा, चिकन नहीं था आलू है। हाँ वो बोरी चिकन का टेस्ट है, ये चिकन है। हालांकि मैंने कोई चिकन क्यूब नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिंपल घर के मसाले डाले। ऐसी आज तक ऐसी पालक नहीं खाई बिना गोश्त और बिना चिकन के, आज तक नहीं खाई। शादी खाई नहीं है पहली तो बात है, जब भी खाई कोई ना कोई चीज़ डाली है, लेकिन आउट क्लास बनाई मैंने बहुत दिल से ना। और कितनी जल्दी बन गई है, जल्दी बनाई। और आपने ना बोला भी मेरे को आज यही लेकर आओ, इसलिए जब आप बोलते ना कोई चीज़ लाओ तो आप उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं। चले जी हमने रोटी खा ली और माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी थी, हमने रोटियां इतनी खाई हैं, मेरे ख्याल से 4 रोटियां थी, हाँ 4 होंगी, तो वो सारी ख़त्म हो गई यकीन करो। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि नहीं इतनी बनवाते, कम ही बनवाते, अगर भूख लगती है तो खाते नहीं, तो ऐसा होता है कि कभी कभी जो ना रह भी जाती है एक आधी रोटी। तो हमने 4 वो 4 खा ली रोटी, मेरे ख्याल से 5 रोटियां खा ली, हाँ 2 परांठे थे और 2 सूखी, हाँ 4 थी, तो सारी खा ली। अभी भी है भूख, मतलब इतना अच्छा टेस्ट है उसका।
लिंक खैर कोई नहीं यार, वाकई बोमी एक बात है वो यहाँ पर नहीं है। ये नहीं कि आप लोग समझ रहे हो इसकी तारीफ करते उसके मुँह के सामने, नहीं वो खाने सच में ये मुझे नहीं लगता कि शादी से पहले ऐसे खाने बनाती होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके ऊपर जिम्मेदारी आई है, उसने देखा कि मैं रोज़ रोज़ बनाती हूँ, वो दिल से खाना बनाती है, बहुत ज़बरदस्त बनाती है। आप लोग समझ रहे हो कि चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जब मेरी फैमिली आती है आपने देखा वो भी तारीफ़ करती है, यानी कि अपनी बहन भाई आए सर आए तो वो भी तारीफ़ करते कि सच में इसके हाथों में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बस इतनी सी बात आप लोगों को बतानी थी, तो बस ये कि आज का वीडियो हमारा ये वाला यहीं तक है गाइस। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक लाजमी किया करो, और प्लीज़ 5 लोगों को आप लोगों ने मेरी वीडियो शेयर करनी है बस, क्लास आप लोगों से इतना मांगता हूँ, अगर सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे कल अच्छे से वीडियो, तब तक के लिए बाय।